ਮੈਮਲੀਅਨ ਐਮਬਰੀਓਲੋਜੀ, ਕਲੀਵਿਜ ਐਂਡ ਬਲਾਸਟੂਲੇਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟਸ, ਕਲੀਵਿਜ, ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ, ਮੋਰੂਲੇਸ਼ਨ, ਟੋਟੀਪੋਟੈਂਟ ਐਂਡ ਪਲਿਓਰੀਪੋਟੈਂਟ ਸੈਲਸ, ਬਲਾਸਟੂਲਾ ਐਂਡ ਦਾ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਬਲਾਸਟੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਫਸਟ ਦਾ ਕਲੀਵਿਜ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈਟ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਫਰਾਮ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ ਐਗ ਆਫ ਮੈਮਲਸ। ਅਗਰ ਹਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ ਐਗ ਆਫ ਮੈਮਲ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ तो मैमल्स में स्पेसिफिकली हम यहाँ जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दे आर द प्लेसेंटल मैमल्स। द एग ऑफ प्लेसेंटल मैमल इज द स्मॉलेस्ट वन। जितने भी एनिमल्स हैं, सबसे स्मॉलेस्ट जो एग है वो प्लेसेंटल मैमल का है। योक जो है वो ना होने के बराबर उसमें मौजूद है, तो जिसकी वजह से जो सेल डिविजन्स होंगे वो सारी की सारी होलोब्लास्टिक होंगे, यानी कम्प्लीटली जो है वो सेल डिवाइड करेगा दो हिस्सों में। योक की वजह से हाफ या जो रिस्ट्रिक्शन है योक की वजह से वो यहाँ नहीं होगी। तो ऑल द सेल डिविजन इन मैमल्स दे आर द होलोब्लास्टिक क्लीवेज, या होलोब्लास्टिक क्लीवेज इसके अंदर होगी। तो इनिशियली जो सेल डिवीजन का पैटर्न है अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी वेरी स्लो। बाकी एनिमल्स की निस्बत मैमल्स का जो एम्ब्रियो जब डिवाइड करना शुरू करेगा तो इसकी सेल डिवीजन बहुत स्लो होती है, नंबर वन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि सेल डिवीजन का जो पैटर्न है ये वो नहीं होता है जो बाकी एम्ब्रियोज के अंदर हम देखते हैं इसमें, यानी कि ख़ास किस्म का यूनिक जो है वो फीचर्स हमें मिलेंगे। पहली बात कि क्लीविज स्टार्ट हुई, सेल डिवीजन स्टार्ट हुई, इट इज़ वेरी स्लो। नंबर टू, जो उस क्लीविज का पैटर्न है ये बाकी ग्रुप्स ऑफ एनिमल से डिफरेंट है। किस तरह से? जो पहली डिवीजन होगी वो तो होगी लॉन्गिट्यूडिनल या मेरिडियनल जिसको बोलते हैं, कि टॉप से बॉटम की तरफ होगी, एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, दो ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे। अब उसके बाद जो सेकेंड क्लीविज होगी उसमें दोनों सेल्स डिफरेंटली डिवाइड करेंगे, एक सेल दोबारा से वर्टिकली डिवाइड करेगा, एक हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगा। तो इस तरह से दोनों सेल्स के जो अंदर जो डिवीजन का पैटर्न है वो डिफरेंट होगा। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये रोटेशनल क्लीवेज कहलाती है, यानी दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड द रोटेशनल क्लीवेज है। अच्छा, सेकेंड वन, जो क्लीवेज का पैटर्न तो डिफरेंट है, रोटेशनल क्लीवेज है, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि जो सेल्स हैं दे आर नॉट डिवाइडिंग सिंक्रोनसली। सिंक्रोनस का मतलब है इकट्ठे डिवाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ सेल्स पहले डिवाइड कर रहे हैं, कुछ सेल बाद में डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें टू सेल, फोर सेल, एट सेल, सिक्सटीन सेल स्टेज इस तरह से नहीं मिलती है, बल्कि सम टाइम हमें ऑड नंबर के साथ भी स्टेज मिल सकती है। यानी इट इज़ पॉसिबल कि फोर से एट सेल की बजाय हमें फोर से फाइव सेल भी कुछ टाइम के लिए मिल जाएँ, ठीक है, या फोर से सेवन सेल स्टेज मिल जाए, कि एक तीन सेल डिवाइड कर गए हैं, एक सेल डिवाइड इन किया अभी वो स्लोली डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से सेल डिवीजन में चूँकि रेगुलर नहीं है, एक साथ नहीं हो रही है, सिंक्रोनस नहीं है, तो जिसकी वजह से कुछ सेल जो है पहले डिवाइड कर रहे हैं और कुछ बाद में करेंगे, जिसकी वजह से हमें वो जो टू, फोर, एट, सिक्सटीन, थर्टी टू का नंबर है वो एज इट इज़ जो है वो नहीं मिलता है मैमल्स के अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जब बाकी एनिमल्स के अंदर जब सेल डिवीजन होती है तो उस वक्त प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो मैसेंजर आरएनए होता है वो मदर से आता है, यानी एग पहले से मैसेंजर आरएनए लेकर आता है और सेल डिवीजन के दौरान वही मैसेंजर आरएनए प्रोटीन्स बनवाता है। मैमल्स के केस में ऐसा नहीं है, मैमल का एग जो है वो मदर से मैसेंजर आरएनए लेकर नहीं आता है, बल्कि जब ज़रूरत होगी वो अपना मैसेंजर आरएनए बनाकर सेल डिवीजन स्टार्ट करवाता है। इसीलिए मैमल्स के केस में जो मैटरनल इफेक्ट है वो कम होगा, यानी मैटरनल डोमिनेंस नहीं है, बल्कि सेल अपने तौर पर अपनी मशीनरी जो है उसको यूटिलाइज करेगा और सेल डिवीजन स्टार्ट कराएगा। यहाँ अगर हम डायग्रामेटिकली देख लें, जैसे मैंने कहा है टू सेल स्टेज के बाद एक सेल जो है वो एक तरह से डिवाइड करेगा, यानी अगर ये एक सेल जो है वो इनमें से एक सेल अगर हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है तो जो दूसरा सेल है वो एक अगर वर्टिकली डिवाइड कर रहा है, दूसरा हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इसमें इस सेल की डिवीजन इस तरह से है, जबकि दूसरा जो है वो वर्टिकली डिवाइड कर रहा है, और एक या फिर ये उसका अपोजिट भी हो सकता है कि जो एक सेल है वो टॉप वाला सेल जो है वो वर्टिकली डिवाइड करे और नीचे वाला सेल जो है वो क्या करे वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना शुरू कर दे। इन दो बोथ केस ये इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये रोटेशनल क्लीवेज है। अच्छा, उसके बाद आगे फर्दर अगर हम देखेंगे तो अगेन आगे सेल डिवीजन का पैटर्न कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह से सेल्स अपने आप को डिवाइड करके कोई भी तरतीब बना सकते हैं, इसलिए दिस पैटर्न इज कॉल्ड द रोटेशनल क्लीवेज। ये रोटेशनल क्लीवेज हमें टिपिकली मिलती है मैमल्स में। क्लीवेज जैसे ही हो रही है, सेल डिवाइड कर रहे हैं, तो जब सेल्स
एट सेल स्टेज तक जब होंगे, यानी टू सेल्स, फोर सेल्स एंड देन एट सेल्स, एट सेल स्टेज तक जो सेल्स हैं वो आपस में क्लोजली कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं होते, बल्कि दे आर लूजली अरेंज्ड। जैसे ही एट सेल स्टेज आएगी, सेल स्पेसिफिक प्रोटीन्स रिलीज करेंगे और स्पेसिफिक प्रोटीन की वजह से सेल्स आपस में टाइटली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, और ये इकट्ठे मिलकर हडल करने का, आपस में एक दूसरे से टाइटली ज्वाइन करने का जो पैटर्न है, दिस इज कॉल्ड द कंपैक्शन। इसको जो हम कंपैक्शन कहेंगे। देन अब एट सेल स्टेज के बाद द नेक्स्ट स्टेज जो है वो है 16 सेल स्टेज। एट सेल डिवाइड करेंगे तो उसे हमारे पास जो है वो 16 सेल बनाइए। अब 16 सेल स्टेज इज अ सॉलिड सेल, सेल एक सॉलिड वॉल की फॉर्म में मौजूद हैं। इस वॉल ऑफ सेल को हम क्या नाम देंगे, मोरूला का नाम देंगे। मोरूला के अंदर हमें दो तरह के सेल्स मिलेंगे, कुछ वो सेल्स हैं जो दरमियान में मौजूद हैं, उनको आप इनर सेल मैस कहते हैं, और वो सेल जो साइड्स के ऊपर मौजूद हैं, दे आर कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट। जो आगे एम्ब्रियोनिक सेल्स बनने हैं, जो असल में एनिमल बनना है, वो इनर सेल मैस से बनना है, जबकि जो ट्रोफोब्लास्ट है ये सिर्फ प्रोटेक्शन की मेम्ब्रेन्स बनाएगी, प्रोटेक्शन की लेयर्स बनाएगी। द एक्चुअल थिंग इज द इनर सेल मैस। अच्छा, अगर हम देखें, जब एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज के ऊपर था, 8 से 16 सेल स्टेज बनी है, तो 16 सेल में से कुछ सेल जो है वो ICM बना रहे हैं, इनर सेल मैस बना रहे हैं, कुछ जो है ट्रोफोब्लास्ट बना रहे हैं। तो 8 सेल स्टेज के ऊपर जो सेल हैं वो चाहे वो ICM भी बना सकते हैं और ट्रोफोब्लास्ट भी बना सकते हैं। तो यानी कि 8 सेल स्टेज के ऊपर जो ब्लास्ट हमारे पास सेल्स हैं, जो ब्लास्टोमियर्स हैं, वो चाहे तो दोनों में से कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इसी वजह से दे आर कॉल्ड एज द टोटीपोटेंट सेल्स। जबकि जो हमारे पास हैं इनर सेल मैस के सेल, इनर सेल मैस के सेल जो हैं ये आगे जाकर जब वो चाहे तो डिफरेंट एम्ब्रियोनिक लेयर्स बना सकते हैं, तो इनर सेल मैस के सेल्स को हम आगे प्लूरीपोटेंट बोलते हैं। तो एट सेल स्टेज वाले जो हैं वो टोटीपोटेंट हैं, जबकि जो इनर सेल मैस के सेल्स हैं दे आर एक्चुअली द प्लूरीपोटेंट सेल्स हैं। अच्छा, ये जो 16 सेल स्टेज के ऊपर जो सेल्स मौजूद हैं, इनर सेल मैस और ट्रोफोब्लास्ट जो हैं, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज। अब जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, दे विल सेक्रीट सम मटेरियल, वो मटेरियल रिलीज करेंगे जिसकी वजह से एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्रिएट हो जाएगी दरमियान में, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड द ब्लास्टोसील। तो इससे ब्लास्टोसील जो वो प्रोड्यूस हो जाएगी, और सेल्स जो होते हैं, जो तमाम सेल्स जो होते हैं वो बाकायदा ब्लास्टोसील को लाइन करेंगे, चाहे वो इनर सेल में ऐसा है, चाहे वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं। यहाँ आप डायग्राम में सारा ओवरऑल देख सकते हैं कि दिस इज अ फोर सेल स्टेज। फोर सेल स्टेज के बाद हमारे पास एट सेल स्टेज है, सेल्स कम्पैक्ट हो गए हैं। फोर सेल के स्टेज के ऊपर सेल कम्पैक्ट नहीं है, यानी यहाँ क्या हुई है, कॉम्पैक्शन हुई है। अच्छा, फर्दर इसमें अगर हम देखें तो मोरूला इज आल्सो अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। उसके बाद अच्छा, अगर आप गौर से देखें, जो दरमियान वाले सेल्स हैं दे आर इनर सेल मैस, ये हमारे पास इनर सेल मैस है, और साइड वाले जो ग्रीन है दे आर बेसिकली द ट्रोफोब्लास्ट सेल, ट्रोफोडर्म इसको बोलते हैं। फर्दर स्टेप पे जाकर जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वे एक खास किस्म का मटेरियल रिलीज करेंगे जो कि ब्लास्टोसील बना देगा, और जो सेल्स होंगे बाकी वो सारे सारे इसको लाइन कर देंगे। एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर ब्लास्टुला कहलाएगा।